हेलो एंड वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी रिव्यू करने वाला हूँ, ITM यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर में स्थित है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा इनका प्लेसमेंट कैसा होता है, कौन कौन से कोर्स में किस प्रकार से एडमिशन होता है और यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हमेशा की तरह किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का रिव्यू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उससे जुड़ी हुई कुछ कैंपस फ़ोटो। तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है ITM यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये फ़ोटो थोड़ा ब्लर है लेकिन बिल्डिंग काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी इसमें व्यवस्था भी है। अगर हम ITM रायपुर के बारे में बात करें तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल में। और यहाँ पे अप्रूवल की बात करें तो UGC छत्तीसगढ़, PURC, BCI और CUA सभी जगह से इसको मान्यता मिली हुई है, यानी यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होते हैं, जैसे नीट के थ्रू इनके जो मेडिकल कोर्स होते होंगे उसमें एडमिशन होगा, क्लैट के थ्रू लॉ के कोर्सेज में, कैट के थ्रू MBA कोर्स में, JEE के थ्रू इंजीनियरिंग के, और नाटा के थ्रू आर्किटेक्चर के कोर्स में। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन होंगे। CUET के थ्रू ही अब मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं UG में वो एडमिशन होते हैं, चाहे वो BA हो, BSc हो या फिर BCA हो। सारे कोर्सेज में UG के ऑलमोस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में आपके CUET के जरिए ही एडमिशन होंगे। 13 कोर्सेज अक्रॉस 6 डिसिप्लिन में यहाँ पे 13 कोर्सेज आपको मिलेंगे एडमिशन के लिए, और 6 डिसिप्लिन में यानी कि 6 संकायों में पढ़ाई होगी। पॉपुलर कोर्सेज की बात करें, यहाँ कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं तो वो है MBA, BBA, BCom, ऑनर्स, BBA, LLB, BCA, BA, IHTM। एप्लीकेशन बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अब मैक्सिमम जगहों पे ऑनलाइन ही होता है, तो शायद यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही काउंसलिंग होता हो। वैसे आप एडमिशन लेने से पहले एक बार इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर जाइएगा और चेक कीजिएगा सारे डिटेल को। एडमिशन पहले यहाँ पर मेरिट बेस्ड होता था और अभी भी काफ़ी सारे कोर्सेज में मेरिट के बेस पर ही एडमिशन हो जाते हैं, भले ही यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लिखा है, नाटा लिखा हो, JEE में लिखा हो, CUET लिखा हो, कैटमेट लिखा हो, लेकिन डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाते हैं, देखा है मैंने। रिव्यू भी पढ़ रहा था तो इसी तरह की जानकारी मुझे मिल रही थी। अगर टॉप रिक्रूटर की बात करें जो यहाँ पे कैंपस के लिए आते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो TCS, NPCI, कोटक सिक्योरिटीज़, रेमंड, ETC, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कंपनियाँ नहीं आती, लेकिन छोटी मोटी कुछ कंपनी आती है, कुछ बड़ी कंपनियाँ भी आती है जैसे कि TCS और NPCI जैसी। कैंपस साइज़ की बात करें तो कैंपस साइज़ मीडियम है, 25 एकड़ की। फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, कैंटीन, बस, सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी जो कि एक अच्छे जगह पे होनी चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, अच्छे कॉलेज में होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम बात करें कोर्सेज़ के बारे में तो MBA, BBA, BCom, ऑनर्स, BLLB एंड BA आर्किटेक्चर के कोर्सेज में यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं वो MBA, BBA और BCom है। तो इन सब अगर कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET के जरिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और नॉन डायरेक्ट मेरिट बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं अगर सीटें वैकेंट रहती है तो। अलग अलग कोर्सेज में आप देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज में यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं सिर्फ स्क्रोल करते जाऊँगा, आप सभी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर इसका ज़रूरत ज़्यादा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। MBA में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR वगैरह में यहाँ पे एडमिशन होते हैं, कैट मैट के जरिए इसमें एडमिशन होंगे, अगर सीटें बचती है तो डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ऐसे यहाँ पे लिखा है कि कैट और मैट के जरिए ही MBA कोर्स में एडमिशन होगा। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें ITM जो कि रायपुर में यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अगर प्लेसमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, जैसा मैं रिव्यू पढ़ रहा था तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है, रिलायंस, ICICI सिक्योरिटीज जैसी कंपनियाँ यहाँ पे आती है जो कि लिखी हुई है, लेकिन रिव्यू के माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत कम यहाँ पे प्लेसमेंट होती है, काफ़ी सारे रिव्यू फेक भी मैंने पढ़ा है, और कुछ स्टूडेंट से मैंने बात भी किया है, उसमें यहाँ पे यहाँ के जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कम प्लेसमेंट होता है छात्रों का, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत छात्रों का प्लेसमेंट होता है, कुछ कंपनियाँ आती हैं, लेकिन कुछ डिटेल अगर आप इनका वेरिफिकेशन करेंगे इंटरनेट के माध्यम से साइट विजिट करेंगे और अलग अलग वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो भी जानकारी आपको क्लियर नहीं मिल पाएगी जब तक इनके स्टूडेंट से आप लोग बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट से बात करना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी प्राइवेट या डीम टू बी जो यूनिवर्सिटी है, जो
यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते हैं, कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं, कम से कम प्राइवेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो रियल में जाके वहाँ फिजिकली विजिट कीजिए कैंपस में, या किसी प्रकार से फ़ोन से या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर कुछ स्टूडेंट से बात कीजिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, आखिर प्लेसमेंट होता है या नहीं, या जो सारी डिटेल लिखी है वो फेक तो कहीं नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के मामले में काफ़ी सारी जो डिटेल होती है वो फेक भी होती है। तो आशा करता हूँ कि जो इस वीडियो मैंने आपको जानकारी दिया है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर आप किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ काफ़ी प्रकार की स्कॉलरशिप की भी सुविधा दी जाती है। अगर आप SC ST या किसी भी कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपका मार्क्स हाई आता है तो कुछ यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आप सभी डिटेल देख सकते हैं स्कॉलरशिप की। यहाँ पर SC ST के लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, और अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो भी यहाँ पे कुछ आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्कॉलरशिप एट ITM रायपुर आर ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जाम इफ द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड 65 to 74%। 10% दिया जाता है स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी में, और यहाँ पे 75% से 84% के बीच है तो यहाँ पे 25% आपको फ़ीस कम किया जाएगा। 85% से एबव है अगर आपका मार्क्स, तो 50% आपका जो है फ़ीस वो माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा। बाकी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस सर्विस, हॉस्टल वगैरह, कैंटीन वगैरह सबकी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिव्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको CUET से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, CUET या NCET से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको वहाँ पर बात करूँगा आपसे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।